हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे ड्रेसेस डिज़ाइंस लेकर आई हूँ, शॉर्ट कुर्तीज़ लेकर आई हूँ। जैसे कि आप यूजली मेरे वीडियोज़ देख सकते हो, लॉन्ग कुर्तीज़ देख सकते हो। गर्मियों के हवाले से मैं बहुत सारे डिज़ाइनिंग वगैरह लेकर आती हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो शॉर्ट कुर्तीज़ कैजुअल वेयर के लिए लेकर आई हूँ, और ऐसे कुर्तीज़ लेकर आई हूँ कि जो आप इजली पार्टी वगैरह में भी पहन सको। सभी के स्लीव डिज़ाइंस नोट करें, सभी के नेक डिज़ाइंस नोट करें, एक से बढ़कर एक है। आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, आप देखिए तो सही। आप इस तरह के आजकल जैसे कि गर्ल्स लॉन के सूट अपने लिए बनवाना चाह रही होती है, गर्मियों के लिए कॉटन के सूट बनवाना चाह रही होती है, तो वो इस तरह के जब डिज़ाइनिंग वगैरह देखती है तो उससे अच्छे से आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह की डिज़ाइनिंग वो अपनी ड्रेस में कर सकेगी। तो आप सभी डिज़ाइन गौर से देखिएगा, सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एक से बढ़कर एक है, बहुत ही दिलकश डिज़ाइन से। और मैंने इसमें बहुत सारे डिज़ाइन आप सभी के लिए ऐड कर रखी है। आजकल तो बस हर टाइप की डिज़ाइनिंग आ रही है, शॉर्ट में भी आ रही है, लॉन्ग में भी आ रही है, तो सभी एक से बढ़कर एक है। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहें तो वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लॉन्ग बनाना चाहे तो वो भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो, सभी आप बना सकते हो। वैसे भी आजकल इंसान गर्मियों के लिए पाँच छः सूट तो बना ही देता है। तो जैसे कि इंडिया में, पाकिस्तान में गर्मियाँ स्टार्ट ही हो गई है और अभी से लोग तैयारी करने लग गए हैं, तो इस वीडियो से इंशाल्लाह आप सबको बहुत सारी हेल्प मिलेगी डेली वेयर की ड्रेसेस बनाने के लिए, गर्मियों की ड्रेसेस बनाने के लिए। तो बहुत सारे ज़बरदस्त आइडियाज़ मिलेगी। एंड में आपको ये बेल वाले स्लीव्स वाले डिज़ाइन भी आपको इसमें मिलेगी। बेल स्लीव्स अगर आप अपने ड्रेस को बनाओगे तो आपका ड्रेस वैसे भी प्यारा लगेगा, इसके साथ और भी प्यारा लगेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आप सभी के लिए ऐड करे किए हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।